दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। अबकारी घोटाले से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस मामले में सिसोदिया के अलावा 12 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी होने पर सिसोदिया ने कहा है कि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दिन भर ये सोचा करते हैं कि किसके खिलाफ नोटिस जारी कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं। प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं सोचते हैं, उन्हें देश को नंबर वन बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नंबर जीरो बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। अब की बार देश की जनता इन्हें 2024 में लुकआउट नोटिस भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।